हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली पहुंचे हैं, मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हिमाचल भवन की। मौके पर भी उनका समाधान किया गया, ये आपके एक बार आप सबका आपके इस कार्यक्रम में यहाँ पहुंचने पर मैं सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और आने वाले समय में मिलने जुलने का एक हमारा एक माध्यम ये होगा, जब भी हमारा दिल्ली आना होगा तो मैं यहाँ विजिट करके आप सबके बीच में कुछ पल जरूर गुजारूंगा, ये मेरा प्रयत्न रहेगा। और हिमाचल प्रदेश चुनावी वर्ष में भी प्रवेश कर चुका है, तो चुनावी वर्ष में है, हमारी तैयारियां हैं जोरदार ढंग से। और एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अभी जिन चार प्रांतों के चुनाव के परिणाम हमारे सामने आए, पांच प्रदेशों के खास तौर से, पांच में से चार में भाजपा थी और फिर भाजपा ही वहां पर आई है सत्ता में। और जो कहते थे इस बात को कि यहां रिवाज बना हुआ है कि पांच वर्ष के बाद सरकार रिपीट नहीं होता, तो रिवाज बदल गया है। तो सरकार भाजपा की है, आने वाले समय में 2022 में हमारे इस साल नवम्बर के महीने में चुनाव हमारे बच्चों के लिए जो 15 से 18 साल का जो था उसमें भी पूरे देश भर में हमने बेहतरीन काम किया, उसमें भी पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश रहा है। तो कोविड मैनेजमेंट के हिसाब से जो बेहतर चीजें की जा सकती थी, क्योंकि हिमाचल छोटा प्रदेश है, आप तक खबर पहुंचाने में बहुत मुश्किल काम होता हमको भाई, तो इसलिए ये सारा हमने दिल्ली में एक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की, जिसके माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सूचना पहुंचे, ठीक जानकारी पहुंचे। और मैं समझता हूँ आपके लिए भी ये बहुत उपयोगी होगा। तो एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ, नमस्कार। INS से संतोष जी, संतोष पाठक को मैं INS से, आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में पहुंच गया है, और आपने तमाम अपनी योजनाओं का जिक्र किया। अभी हाल में फिलहाल हमने देखा कि उत्तर प्रदेश थोड़ी भी कुछ किया मैंने सभी, तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि जितनी योजनाएं थी उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की, उनके जो लाभार्थी थे उन्होंने चुनाव जिताने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने कहा कि हिमाचल प्रदेश की आबादी 72 लाख है, तो आपकी तमाम योजनाओं का फायदा हिमाचल प्रदेश की कितनी बड़ी आबादी तक पहुंचा, और चुनाव में आपको कितनी उम्मीद है कि वो आबादी किस तरह से भाजपा के पक्ष में वोट करेगी? हिमाचल में एक परिवार में 7-7 लाख योजनाओं के लाभार्थी है, एक परिवार में हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत मकान मिला है, उसी परिवार में पेंशन के माध्यम से पेंशन मिली है, उसी के माध्यम से उसी परिवार में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का भी पैसा आया है, उसी परिवार में, मतलब मैं कह सकता हूं कि हिमाचल का हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार लाभान्वित हुआ है प्रदेश और केंद्र सरकार चुनाव में किस तरह से। स्वाभाविक रूप से हमारा टारगेट है इस बात को लेकर के हम हिमाचल प्रदेश में जो लाभार्थी है उन तक पहुंचे, और इसके लिए हमारा काम जारी है। और लाभार्थी तक पहुंच करके जो लाभ उनको प्राप्त हुए हैं उसमें सहयोग मांगने का हमको भी अधिकार है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम अपनी बात करेंगे उनके समक्ष के हमने आपके लिए बेहतर करने की कोशिश करें की है, और ये मुझे लगता है कि इसका लाभ निश्चित रूप से होगा। अंजलि ओझा जी, यूएनआई ये क्या कर रही है? यूएनआई से सर, हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के एंट्री को आप कैसे देखते हैं, चुनावी साल है अभी? एक वैसे एक बात कहूं मैं, हिमाचल पहुंचते पहुंचते जो आते हैं सांस हो जाती है चलते चलते, अभी तक वो जिस प्रकार से सोच रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, हिमाचल ने तीसरे विकल्प को। तो बड़ी जानकारी, मीडिया सेंटर का सीएम ने उद्घाटन किया है, आपको बता दें हिमाचल भवन में ये मीडिया सेंटर का उद्घाटन दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने, और साथ ही कहा है उन्होंने कि चुनावी साल है, ऐसे में हिमाचल से ज्यादा जो जानकारियां जो खबरें हैं वो जनता तक पहुंचे और किस तरीके से एक संबंध जो है वो बना रहे, और उन्होंने कहा है कि उनका भी कोशिश रहेगी कि वो इस दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में स्थित ये जो मीडिया सेंटर उसमें आते रहे और
पत्रकारों से उनकी जो बातचीत है वो होती रही, उस बात का जिक्र भी उन्होंने यहाँ पर किया है। फिलहाल अभी सवाल पर जब उनसे ये जवाब पूछा गया कि चुनावी साल में वो किस तरीके से पार्टी की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो इस बात का भी जिक्र मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हमारा लक्ष्य यहाँ पर यह है कि परिवार के हर सदस्य तक उस योजना का लाभ पहुंचे। और हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि एक परिवार के साथ साथ लोगों तक जो साथ साथ योजनाओं का लाभ जो है वो उन तक पहुंच रहा है। तो फिलहाल मीडिया सेंटर का सीएम ने उद्घाटन किया है हिमाचल भवन में दिल्ली स्थित।